हरदोई सफीपुर मार्ग को शासन से 2 करोड़ रुपया 15 किलोमीटर रोड का नवीनीकरण करने के लिए आया था, लेकिन अधिशासी अभियंता लोक निर्माण खंड के एक के अधिकारियों की बड़ी लापरवाही सामने देखने को मिली है, जिसके चलते संबंधित ठेकेदार अपनी मनमानी ढंग से घटिया निर्माण कार्य कराया गया, जो मात्र 15 दिनों में ही रोड बुरी तरह से टूटना शुरू हो गया। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का लाख दावे कर ले कि उत्तर प्रदेश को गड्ढा मुक्त रोड किया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। हम इस वक्त मौजूद हैं उन्नाव जनपद के विधानसभा 165 के हरदोई सफीपुर मार्ग के जस्ट में निकट मौजूद हो। आप हमारे पीछे देख सकते हो कि इसी रोड का मात्र 15 दिन पहले नवीनीकरण 2 करोड़ रुपया लागत से किया गया था 15 किलोमीटर का, लेकिन मात्र 15 दिन के अंदर ही रोड एक ही बारिश में टूटना शुरू हो गई है। अब देखने वाली तो ये बात होगी क्या जिले के आला अधिकारी इस पूरे मामले को कितना संज्ञान में लेकर इन PWD अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे कि नहीं करेंगे, कि ऐसे ही सरकार की खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आएंगे। उन्नाव से विनोद कुमार सोनकर, खबर है।